Welcome you all on Mohari Devi Japadia Girls College YouTube channel. Today in this video lecture, we are going to discuss about the poem and the poem which is prepared for my daughter, which is written by William Butler Yeats. So, this is our second part of this particular poem. So, iske bare mein humne jaan liya tha ki is poem mein total 10 stanzas hain. Har ek stanza mein 8 lines. Okay? Or, William Butler Yeats, ye poem apni daughter, jinka naam hai Annie, uske liye likhte hain. Aur humne kya kaha tha? Ye jo poem hai, wo sabse pehle publish hui thi Michael Roberts and Guitars and Nowadays collection. ये लिखी गई थी 1999 में और पब्लिश हुई थी 1921. पब्लिश हुई थी सबसे पहले मिकेल रॉबर्ट्स एंड विद्यांश की नाम की कलेक्शन में 1921. सो हमने इसका स्टेंजा फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था कल. आज हम इसमें बात कर लेते हैं इसके स्टेंजा सेकंड. तो पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि तुम्हारा रूप बना सके. जो पॉइंट है विलियम बटलर यीट्स, वो चाहते हैं कि उनकी बेटी हुई है तो वो अपनी बेटी को अपने क्रश मॉड बॉन की तरह नहीं बनना देते, नहीं बनने देना चाहते. तो वो उसे बताते हैं इस पॉइंट में को कि तुम्हें कैसा बनना है, मैं तुम्हें कैसा बनाना चाहता हूँ. तो फर्स्ट जो स्टेंजा है इसमें पॉइंट बताते हैं कि उनकी जो बेटी है वो आधी लिखी हुई सी है और एक पाले में सो रही है और बहुत ही जोरदार या भयंकर तूफान आ रहा है जो उनकी छतों तक जो घास के ढेर है उस तक, यानी बहुत ज़्यादा उसकी जो हवा है वो बहुत ज़्यादा तेज चल रही है और जो वो तूफान है वो उसकी ब्रीड में बता दी है. वो तूफान एटलांटिक ब्रीड का बताया है. यहाँ पर पॉइंट है कि वो एटलांटिक ओशन से आया हुआ है, बताई है कि वो बहुत ज़्यादा तेज तूफान आ रहा है और वो अपनी डॉटर के लिए इस तूफान में भी इधर उधर घूम के क्या कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं. सो अब हम चलते हैं कि वो प्रे करते करते क्या कर रहे हैं और उसको देख लेते हैं. जो अपना सेकंड स्टेंजा है अपने टेक्स्ट में आप ओपन कर लीजिए, अपना टेक्स्ट अपने सामने रख लीजिए. सेकंड स्टेंजा शुरू करते हैं. आई हैव वॉक एंड प्रेड फॉर दिस यंग चाइल्ड अबाउट. मैं वॉक कर रहा हूँ बॉय के लिए, मैं वॉक कर रहा हूँ उस तूफान में और अपनी यंग चाइल्ड के लिए प्रे कर रहा हूँ. यानी लगभग एक घंटे से वो इधर से उधर घूम रहे हैं और उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं. एंड स्क्रीम अपॉन द टावर, और टावर के ऊपर से जो हवा चल रही है इस तूफान में उसी को सुन पा रहे हैं. स्क्रीम यानी जो चिल्लाती हुई हवा है, यानी बहुत तेज चलने वाली हवा है जो टावर को क्रॉस करते हुए जा रही है उसको वो सुन सकते हैं चलते चलते. And under the arches of the bridge and scream in the elements above the flooded stream. और वो बता रहे हैं कि इस तूफान में वो आर्चेस जो ब्रिज पे बने हुए होते हैं उनके ऊपर जब वो हवा निकल रही है उसको भी वो महसूस कर पा रहे हैं, यानी उसको भी वो सुन पा रहे हैं. एंड स्क्रीम, और जो वो हवा चिल्ला रही है यहाँ पे इन द एल्स अबाउट द फ्लडेड स्ट्रीम, यानी कि बहती हुई हवा जब एल्स नाम की ट्री के ऊपर से भी जा रही है तो भी उसकी जो स्क्रीमिंग है यानी उसकी जो आवाज़ है वो पॉइंट पर सुनाई दे रही है. इमेजिनिंग इन एग्जिस्टिंग एक्साइटेड रिवाइव. अब वो बोल रहे हैं कि इमेजिनिंग इन एक्साइटेड रिवाइव कि वो जो उन्हें दिन में सपने देखे थे उनके बारे में आप सोच रहे हैं चलते चलते. पहले तो वो प्रे कर रहे थे, फिर उन्हें तूफान की आवाज़ें सुनाई देती थी अलग अलग जगह से. अब वो इमेजिन कर रहे हैं, यानी कि एक तरह से याद कर रहे हैं जो उन्होंने दिवा सपने देखे थे, यानी जितने जो सपने देखे थे उनको दैट द फ्यूचर ईयर्स टाइप का. और उन सपनों में उन्होंने क्या देखा था, जो फ्यूचर ईयर्स है वो आने वाले हैं या वो आ गए हैं. डांसिंग टू अ फैंसी ड्रम, जो डांस करते हुए आ रहे हैं फैंसी ड्रम पे, यानी कि जब किसी का आह्वान किया जाता है तो स्वागत किया जाता है ना ड्रम बजाते हुए. किसी बोलते हैं कि फ्यूचर जो है वो आ रहा है, जो टाइम है यहाँ पे टाइम की गति बताइए, एक टाइम किसी के लिए नहीं रुकता. आउट ऑफ द मर्डरस इन द सेंस ऑफ सी, और ये जो
सन्नाटा है ना, एक तरह से उन्होंने बताया अपने मन की शांति को, ये जो मेरे मन में जो तरकता चल रही है, ये एकदम शांति मुझे लग रही है, तल्लीनता लग रही है, वो क्या है? वो है मर्डर ऑफ इनोसेंट जॉन, यानी कि जो तूफान आने से पहले जो शांति होती है, यानी जो ये समुद्र इतना शांत है, वो क्या है? तूफान से आने, तूफान के आने से पहले वाला जो सन्नाटा है वो है, ठीक है? पॉइंट यहाँ पर मैं बता, सॉरी पॉइंट हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह से वो चिंता में मग्न है अपनी डॉटर के लिए, कि जो भविष्य है वो आता जा रहा है, यानी बहुत छोटी है, और इन फ्यूचर ये कैसी होगी, क्या करेगी, उसके लिए प्रे कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग आ रहा है, तूफान आ रहा है, उसके लिए फिर भी वो चिंता कर रहे हैं, बैठ खेल रहे हैं, चलते फिरते बस अपनी डॉटर के बारे में भी वो सोच रहे हैं। सो इस पॉइंट पर हमने टू स्टैंजास अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं, वो बात को स्टैंजास अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो प्लीज आप मुझे शेयर कीजिए। अब तक हमने ये पढ़ किया है पॉइंट कंसिस्ट टू टेन स्टैंजास और ई स्टैंजा में एट लाइन्स है, ये इन्होंने अपनी डॉक्टर एन के लिए लिखी है पॉइंट, और ये सबसे पहले पब्लिश हुई थी मिकाएल पॉपर एंड जॉनसन नाम की कलेक्शन में इन 1921 पर, और ये पॉइंट लिखी गई थी 1919 में डब्ल्यू बी एस, यानी जिनका पूरा नाम है विलियम बटलर के द्वारा। सो आई फॉर माई डॉक्टर के आज कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टैंजा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।